कोई आरोपी ने पुलिस स्टेशन के अंदर गुनाह कबूल कर लिया है तो वो कोर्ट में मान्य रहेगा कि नहीं? मुझे ऐसे दो तीन मित्रों ने ऐसा पूछा था कि ऐसा होता है क्या कि वो कोर्ट में मान्य रह गया और उसको सजा लगेगी। तो मित्रों, हाँ भी और नहीं भी, मुझे ये सब मालूम है क्योंकि ये सब पिक्चरों में मैं गुजर चुका हूँ, बहुत से ऐसे केसेस मैंने स्टडी किए हैं। तो पुलिस स्टेशन के अंदर आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया, जैसे कि उसने 302 मर्डर कर दिया है, तो उसको पहली बात तो उसको कोर्ट में ले जाता है, जज साहब के सामने उसको पेश करते हैं। तो जज साहब उसको सीधा पूछते नहीं है कि भाई तूने गुनाह कबूल है कि नहीं, कभी नहीं पूछते, उसको जुडिशल कस्टडी में यानी कि जेल में भेज देते हैं। उसके बाद जब उसकी तारीख आती है 14 दिन के बाद, उसको तारीख देते हैं 14 दिन के बाद, जब वो कोर्ट में उसको पेश किया जाता है पुलिस के द्वारा, तब उसको वकील देते हैं या पूछते कि तेरा वकील है कि नहीं। उसके बाद कभी कभी कोई जज साहब पूछते कि गुना कबूल है कि नहीं, 99% कभी पूछते नहीं है। मैंने एक देखा था एक केस में, एक आरोपी ने गुना कबूल कर लिया था पहली तारीख पे, उसको कुछ मालूम नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जज साहब बहुत अच्छे थे, उसने एक वकील को बुलाया और उसको बोला कि इसको समझाओ, ये गुना कबूल कर रहा है, इसको सजा लग जाएगी। तो आरोपी को समझाया कि गुना कबूल नहीं करना चाहिए, तो केस चला, उसमें छूट भी सकता है, तो उसने गुना कबूल नहीं किया। तो गुना कबूल का जज साहब कब पूछ सकते हैं कि जब केस चलने भी आएगा, तारीख पड़ती है, जैसे 302 मर्डर केस है तो उसमें 6 महीना साल भर की तारीख पड़ती है, उसके बाद केस चालू होता है, केस चालू होता है तब जज साहब उसको पूछते हैं कि तुमको ये गुना किया है, तुमने किया है तो ये गुना तुमको कबूल है, तो वो ना बोलता है। फिर जज साहब केस चलाने का प्रोसेस करते हैं और सरकारी वकील समन्स निकालते हैं गवाह का, फिर केस चालू होता है। तो पुलिस स्टेशन में कोई भी बयान दिया है वो बयान कोर्ट में मान्य रहता नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो कई लोग ऐसा घबराते हैं कि मैंने गुनाह नहीं किया होगा, फिर भी पुलिस मुझसे कबूल करवा लेगी और वो कोर्ट में मान्य रहेगा तो मुझे सजा लग जाएगी, ऐसा नहीं है मित्रों। हाँ, एक ऐसी बात है, 164 की कलम होती है CRPC की, वो हिसाब से आरोपी को सजा लग सकती है। कैसे कि किसी ने 302 मर्डर किया है, जहाँ मर्डर कर दिया, उसके बाद वहाँ कोई उसका दोस्त आ जाता है और उसको बोलता है कि भाई तू ये लाश ठिकाने लगाने के लिए मुझे मदद कर, और उसने मदद कर दिया। और उसके बाद जब वो आरोपी पकड़ाते हैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर जो जिसने मदद किया उसको पुलिस ऐसी बोलती है कि एक काम कर, तू 164 के हिसाब से तू गवाह बन जाए केस में, तो तुझे सजा भी ज़्यादा नहीं होगी और तू जल्दी छूट जाएगा। तो उसको गवाह के तौर पे उसको मतलब गवाह ले बना लेते हैं उसको, और वहाँ एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको उसकी जबानी लेते हैं कि भाई इसने मर्डर किया था और मुझे बोला था कि ये लाश ठिकाने लगाना है, मैंने इसको मदद किया, तो उसको सजा ज़रूर कम लग सकती है, लेकिन उसकी जबानी की वजह से जिसने मर्डर किया है वो फिट हो जाता है और उसको आजीवन कैद की सजा लगती है मित्रों। तो पुलिस स्टेशन के अंदर आरोपी कितना भी बड़ा गुनाह कबूल कर लेता है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं रहता है। दूसरी एक और बात है कि कई केसों में गवाह का भी ऐसा होता है कि पुलिस जो होती है कभी कभी आरोपी की फेवर में होती है, ऐसा उसको फरियादी पक्ष को लगता है कि उसने मेरा स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोर्ट में जाके जो है वो बोल सकते हो। तो कोर्ट में जो बोला वही स्टेटमेंट मान्य रहता है, पुलिस स्टेशन में जो बोला है, चार्जशीट में आपने जो बोला है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट में आपको वैसा ही बोलना पड़ेगा। वो साइन आपने पुलिस ने आपके पास से साइन ले लिया है कि भाई इसमें साइन करो, आपको शायद पढ़ने दिया नहीं दिया, ऐसा भी कभी हो सकता है, जल्दी में आपने साइन कर दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट वहाँ ऐसा आपके हिसाब से नहीं लिया और कोर्ट में आपको वही बोलना पड़ेगा। जो कोर्ट में जो बोला जाता है वही मान्य रहता है और वही सजा में या छूटने में भूमिका उसकी मेन रहती है। तो मित्रों, ऐसी बहुत सारी माहिती मेरे और वीडियो में है। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों।